हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अकेडमी। तो जितने लोग जुड़े हैं, आज महाशिवरात्रि है और इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे, जितने भी श्रद्धालु कहें या फिर जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि भोले भंडारी की जो कृपा है, महादेव का जो कृपा है, देवों का देव, देवों के देव महादेव की जो कृपा है, सब पर बनी रहे। और जो आपकी विशेष हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उस पर बिल्कुल हिट करें, नहीं सॉरी। और जब अगली शिवरात्रि आए यानी 2022, तो यही कहेंगे कि रेलवे की नौकरी या फिर जो भी आपका गोल है वो तो रहे ही रहे, साथ ही साथ आपकी शादी वादी भी हो जाए, तब शिवरात्रि मनाने का अलग आनंद है, नहीं। चलिए मोहन जी, हैप्पी बर्थडे, भगवान आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, जो आपका लक्ष्य है, है ना। चलिए देखें क्या पढ़ना है आज हमें। तो मैंने कहा था वही जो सेट आपका चल रहा है भाई, भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल, जो मैंने कल भाग वन देखा, पार्ट वन देखा, आज पार्ट टू की बारी है, गुड मॉर्निंग, सर मेरा 13 मार्च को एग्जाम है, तोड़ के आना, बिल्कुल सोचना क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर तो है नहीं सवाल, है ना, ठीक है। ये देखो एक चीज है, शादी के नाम की जो लड्डू जैसे सुनते हैं, सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है, बिल्कुल देख लो, ओहो ओए होए होए, क्या बात है, सही है, मोक्ष की प्राप्ति मिल, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जितने भी महापुरुष हैं देखो सबको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई है, शादी के बाद हुई है, हुए ना। चलो मैं क्लास के बीच में एग्जाम्पल दूंगा तो आप मान जाओगे, चलो आ जाए देखिए। तो 30 सवाल आज फिर देखने को मिलेंगे। क्लास शुरू करने के पहले मैं फिर से आपको मैं बताऊं कि UPSI 12 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, 12 मार्च से ये बैच शुरू हो रहा है, ये रेलवे कैटेगरी में मिलेगा, किसमें, रेलवे कैटेगरी में, किसमें मिलेगा बच्चे, ये रेलवे कैटेगरी में, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। और यहां पे आप CBT 2 और ग्रुप डी सबकी तैयारी कर सकते हो एक साथ, एक ही सब्सक्रिप्शन में, ऐसा नहीं है कि सर मैं UPSI हूं तो उसके लिए अलग सोचू ना, रेलवे वाली कैटेगरी में आप 3600 देख रहे हो, जैसे बाबा टेन यूज करते हो 3240, फिर आप क्रेडिट पॉइंट यूज करते हो, यानी लगभग 3000 के आसपास देखने को मिलता है, बिल्कुल फायदा उठाइए 2 साल के सब्सक्रिप्शन में UPSI और रेलवे। लेकिन अगर आप चाहते हो सर थ्योरी पढ़ना डिटेल में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो SSC वाले में, ये UPSI की पूरी टीम है, ये UPSI की पूरी टीम, UPSI की पूरी टीम आप देख सकते हो, GK GS की हिंदी या फिर सब जो मूल विधि है उन सब की, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो थ्योरी की, जहां मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे, अभी पॉलिटी आज तीसरा लेक्चर है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी SSC में, है ना। अनकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप रेफरल कोड BA BA10 बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको 10% का फायदा जो होता है वो जनमनी बिल्कुल हो जाएगा। सवाल नंबर 1 कहता है कि द मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर्स इन इंडिया, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहाँ बनाया गया है, गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, जालियांवाला बाग या सप्तमूर्ति। सवाल नंबर 1, द मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर्स इन इंडिया, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहाँ है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा, इंडिया गेट, दिल्ली, इंडिया गेट, दिल्ली में। तो कहता है अज्ञात सैनिकों का स्मारक मतलब कि भैया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई सारे सैनिक मारे गए हैं हमारे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कई सैनिक मारे गए हैं, उन सैनिकों की याद में इंडिया गेट का निर्माण किया गया है, कहाँ, दिल्ली में। लेकिन गेट ऑफ इंडिया की बात करें तो ये मुंबई में, और इसका निर्माण हुआ था कब,
उसका निर्माण हुआ था जब जॉर्ज पंचम और उनकी क्वीन मैरी आने वाली थी 1911 में, दिल्ली दरबार जब लगना था तब, दिल्ली दरबार लगना था, है ना। अरे बातें समझ में, ठीक है, ठीक ना। चलो तो आगे बढ़े अब, और जालियांवाला बाग की बात करें, रिमेंबर 13 अप्रैल 1919 को इसकी घटना कब घटी थी, 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी, है ना, 13 अप्रैल 1919 को घटना घटा था, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो, प्रसिद्ध गोल गुंबज किस जिले में है, प्रसिद्ध गोल गुंबज बेलारी, बीदर, बीजापुर, बागलकोट, सवाल नंबर दो, जल्दी। कहाँ है बताओ जल्दी। मोहम्मद आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, अरे बातें समझ में, मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर, बीजापुर कहाँ, जल्दी। तो बीजापुर कर्नाटक में, कहाँ पे, कर्नाटक। तो समझ सकते हो कि बीजापुर जो गोल गुंबज है वो कहाँ, कर्नाटक में है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, किसका है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, बीबी का मकबरा कहाँ है, वेयर इज बीबी का मकबरा लोकेटेड, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, फतेहपुर सिकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद, जौनपुर, सवाल नंबर तीन, जल्दी। तो मैं बात करूं बीबी का मकबरा, आपको याद होगा बीबी का मकबरा यानी जिसका वास्तविक नाम था रबिया उद दुर्रानी, रबिया उद दुर्रानी, ये कौन थी, ये औरंगजेब की माता, सॉरी वाइफ, औरंगजेब की वाइफ, जिसका निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करता है, कहां, महाराष्ट्र में। तो इसके मकबरा को, बीबी के मकबरा को क्या कहा जाता है बच्ची, ब्लैक ताजमहल, ब्लैक ताजमहल, या कहते हैं ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया, ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया, या ताजमहल का फूहड़ नकल, ताजमहल का फूहड़ नकल, ठीक है। अरे बस समझ में, ठीक है। जबकि आप फतेह जौनपुर, जौनपुर की स्थापना किसने कराई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना कराई, किसके याद में, जौना खां के याद में, जौना खां के याद में, जिसका जिसका अगर नाम कहे शासक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, है ना। हैप्पी शिवरात्रि बच्चे, हैप्पी शिवरात्रि। आगे देखो, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, ट्रॉम्बे, बंगलौर, सवाल नंबर चार, जल्दी। तो आप देख सकते हो विक्रम साराभाई की बात करें, त्रिवेंद्रम, जिस साल से हम तिरुवनंतपुरम जानते हैं, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम जिसे हम, कहां, केरल, केरल, है ना, बार्क। आगे देखें, अब एक नया सवाल आप देख सकते हो, केवल शब्दों का खेल है, केवल शब्दों का खेल है, बुद्ध को प्रबोध कहां हुआ, वेयर डिड बुद्ध गेट इनलाइटमेंट, सारनाथ, बुद्ध गया, कपिल वस्तु, राजगिरा, जल्दी जल्दी। तो बच्चे बुद्ध को प्रबोध कहां हुआ था, बोध गया में हुआ था, कहां पर हुआ था, ये बोध गया में हुआ था। अब एक चीज समझना, प्रबोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति,
प्रबोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति। कई लोग समझेंगे उपदेश, कई लोग समझेंगे इसे उपदेश देना। तो उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और लुम्बिनी के कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ये कहानी है। और अगर मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर या कुशीनारा, कुशीनगर या कुशीनारा जो यूपी में है, इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है सारा कुछ? सारा कुछ क्लियर है? बोधगया बिहार, बिहार और बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल ट्री के नीचे और निरंजना नदी के किनारे, निरंजना रिवर के किनारे। निरंजना रिवर को हम फल्गु रिवर के नाम से जानते हैं, निरंजना रिवर को हम फल्गु रिवर के नाम से जानते हैं। गॉट इट? क्लियर है यहां तक? क्लियर है बच्चे? अगर क्लियर है तो जरा थंब दिखाना सर, बिल्कुल क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुबतुल इस्लाम मस्जिद कहां स्थित है? जौनपुर, हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, सवाल नंबर 6। तो बच्चे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में भारत का पहला मस्जिद, दिल्ली में भारत का पहला मस्जिद कहां पे? दिल्ली में। क्लियर? तो जो जो भी एडिशनल फैक्ट बताते जा रहे हैं, जो एडिशनल बताते जा रहे हैं उसे जरूर मेंशन करना। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन बनाना नॉट अ बिग डील, क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात क्या है? जो एडिशनल फैक्ट दे रहे हैं ये, क्योंकि सवाल इसी से कई बार हूबहू पूछ लिए जाते हैं, है ना, हूबहू पूछ लिए जाते हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? कल मैंने पढ़ाया, लक्षद्वीप, दमन और दीव, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, सवाल नंबर 7। जल्दी। तो बच्चे इंदिरा पॉइंट की बात करें अंडमान निकोबार में, यह सबसे दक्षिणी पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु। अगर इंदिरा कॉल होता, इंदिरा कॉल होता तो यह जम्मू कश्मीर में जो सबसे उत्तरी पॉइंट होता, नॉर्दर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट क्या होता? नॉर्दर्न पॉइंट होता निकोबार में, है ना। लेकिन अगर लैंड बाउंड्री की बात करते तो कन्याकुमारी जो कहा तमिलनाडु में, जो कहा तमिलनाडु में, जो कहा है तमिलनाडु में, है ना। आगे देखो नेक्स्ट। भारत का सबसे पुराना स्मारक क्या है? द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे पुराना स्मारक कहां है? जल्दी। देखो अजंता, अजंता की गुफाएं क्यों? ये वाकाटक डायनेस्टी के द्वारा, वाकाटक डायनेस्टी के समय देखने को मिलता है प्राचीन भारत में। ये देखो ये खजुराहो की बात करें तो खजुराहो कब? गुप्ता डायनेस्टी में, ताजमहल मुगल पीरियड और ये दिल्ली सल्तनत। ये तो पूरी कहानी है, ये तो पूरी कहानी है, यानी पुराना वाकाटक। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, क्लियर है? अब सोचो ऐसे ही सवाल आप गलती करते हो, ऐसे ही सवाल आप गलती करते हो, ठीक है? अरे बातें समझ में? अजंता की गुफाएं जो यूनेस्को के लिस्ट में है, जो यूनेस्को के लिस्ट में है 1983 में ऐड किया गया, 1983 में ऐड किया गया, है ना। आगे देखो, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? नंदी हिल्स इज लोकेटेड नियर विच सिटी? बंगलुरु, मैसूर, हुबली, चेन्नई, सवाल नंबर 9। जल्दी भैया बता तो दिया, वाकाटक डायनेस्टी बता तो दिया, वाकाटक डायनेस्टी। तो नंदी हिल्स मैसूर,
मैसूर यानी कहाँ, कर्नाटक, तो टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहते थे, टीपू सुल्तान को कहते हैं, टीपू सुल्तान को कहते हैं, है ना, जिसने क्या किया था, जिसने रॉकेट की शुरुआत की थी, इन्वेंशन किया था रॉकेट का, है ना। आगे, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है, गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान। सवाल नंबर दस, सवाल नंबर दस, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज हम आजाद पार्क कहते हैं, आजाद पार्क कहते हैं, क्यों, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पे 27 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मारी थी, खुद को गोली मारी थी, 27 फरवरी 1931 को खुद को गोली मारी थी, तो चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है, कहाँ, अल्फ्रेड पार्क, जिसे हम आजाद पार्क कहते हैं, क्या कहते हैं, आजाद पार्क कहते हैं, बिल्कुल याद रखना। आगे देखिए, विद्यासागर सेतु कहाँ स्थित है, मजेदार, विद्यासागर सेतु ये आपके रेलवे पूछ चुका है इस बार, ये रेलवे CBT 1 में पूछ चुका है, विद्यासागर सेतु कहाँ है, जल्दी, तो आप ये समझ लो कि विद्यासागर सेतु की बात करें, विद्यासागर सेतु कहाँ, कोलकाता में, कहाँ है, कोलकाता में, हुगली पर, कहाँ, हुगली रिवर पे, कहाँ ये, हुगली रिवर पे, ओहो ये देखो, मदुरै, रामेश्वरम, है ना, कोलकाता मत बोलना, कोलकाता नुकसान हो जाएगा बोलोगे तो, हुगली नदी पर है कोलकाता में, ठीक है, विद्यासागर सेतु, लाहौल विला कुब्बत। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, वेयर इज द अशोका पिलर लोकेटेड, देखो सब आसान सवाल है फिर भी गलती करते हो यार, सांची, सारनाथ, रायपुर, गया। सवाल नंबर 12, जल्दी बेटा, हावड़ा ब्रिज अलग है, विद्यासागर सागर सेतु अलग है, दोनों अलग अलग हैं, है ना, तो अशोक स्तंभ की बात करें, अशोक स्तंभ कहाँ, सारनाथ में है, अशोक स्तंभ जहां से हमने क्या लिया था, व्हील अपने ट्रैकलर में, यानी अपने झंडे में, तिरंगे में, कहाँ ये, सारनाथ में है, कहाँ ये, सारनाथ में स्थित है ना, सारनाथ में स्थित है, याद रखना। दिल्ली का प्रसिद्ध वेधशाला, द फेमस ऑब्जर्वेटरी ऑफ दिल्ली, लाल किला, विज्ञान भवन, जंतर मंतर, संसद भवन। सवाल नंबर 13, जल्दी, देख रहे हो सांचे में गलती कर बैठे, ये हाल है, कितने आसान सवाल है फिर भी आप गलती कर बैठे, सोचो। तो बच्चे, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला की बात करें, जंतर मंतर, कौन है, जंतर मंतर, तो कितने शहरों में जंतर मंतर है जरा बताओ कमेंट बॉक्स में, कितने शहरों में जंतर मंतर है जरा बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी, ठीक है, तो कौन है, जंतर मंतर। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा नहीं कराया गया, आ जाओ, आ गया, किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा नहीं कराया गया है, तो आपको देखना पड़ेगा पटना में, कहां, 5 शहरों में जंतर मंतर है, कहां कहां है, सबसे पहले जयपुर, पहला, दूसरा दिल्ली, तीसरा मथुरा, चौथा उज्जैन, पांचवा वाराणसी, पांचवा वाराणसी, 5 शहरों में है, कहां पर, 5 शहरों में है, क्लियर है, आ रही बातें समझ में, तो कहां कहां, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, 5 शहरों में है, और ये 5ों शहरों में किसने कराया, तो सवाई जयसिंह सेकंड, नाम पूरा सवाई जयसिंह सेकंड, ठीक है, क्लियर है भाई, क्लियर है, जरा थंब दिखा दो सर, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। भारत के निम्न संग्रहालय में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है, यानी कौन मैचिंग गलत है, नेशनल रेल म्यूजियम नई दिल्ली, कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स मुंबई, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम। सवाल नंबर 15, अच्छा कहां, लखनऊ में बच्चा, कहां देख लिया लखनऊ में, जरा बता देना मुझे, मैंने तो लखनऊ में देखा ही नहीं,
तो बच्चे कौन सा कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स, ये अहमदाबाद में है, ये अहमदाबाद में है जो 2017 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ था। नेशनल रेल म्यूजियम की बात करें, ये नई दिल्ली में, सलारजंग म्यूजियम हैदराबाद मोसी नदी के किनारे, नेपियर म्यूजियम तिरुवनंतपुरम में। गॉट इट क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया कि बी कहाँ पे है? ये अहमदाबाद में। कौन सो मेले नहीं है, देख लो बहुत मजा आएगा। ये मतलब ऐसे स्टैटिक जीके हैं, इससे आपके हिस्ट्री भी कवर होंगे और ये भी कवर होगा। तो हवा महल उदयपुर, जामा मस्जिद दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, अकबर का मकबरा सिकंदरा, सवाल नंबर 16। जल्दी तो कौन सुमेलित नहीं बच्चे? हवा महल, ये कहां? जयपुर में, जिसमें 953 विंडोज है, 953 विंडोज है, ठीक है। तो क्या होगा? हवा महल, ठीक है। कहां ये? जयपुर में है। कहां ये? जयपुर में है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। अब देखो थोड़ा सा अंग्रेजी में है, अंग्रेजी बुझते हो ना? अंग्रेजी बुझते हो ना? बुझाता नहीं, अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है। तो वृंदावन गार्डन्स हिंदी में लिखते रहे, वृंदावन गार्डन। फिर ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा। बीबी का मकबरा, फिर चाइना केसव टेंपल, चाइना केसव टेंपल या मंदिर, बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी? इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्यों? देखो ब्लैक पैगोडा की बात करें, कोणार्क बी का वन, कोणार्क उड़ीसा। बीबी का मकबरा की बात करें, औरंगाबाद सी का फोर, सी का फोर। कहानी खत्म, दैट्स इट, कुछ था ही नहीं, दो ही तो निकल गया, दो ही तो निकल गया। ए का थ्री वृंदावन गार्डन मैसूर, और डी का टू चाइना केसव टेम्पल बेलूर कर्नाटक। यही तो था, बुझाता ना। आगे देखो, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या राजगिरा। जल्दी, तमीज नाम की चीज नहीं है क्या भाई? लड़ाई हो गया? बहुत बढ़िया, यही तो हम उम्मीद करते हैं आपसे, पढ़ना तो है नहीं बस लड़ाई करना है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। पहली बार उपदेश देते हैं कहाँ? सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, है ना, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, बिल्कुल याद रखना। आगे देखें, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? हु बिल्ट द बुलंद दरवाजा? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। जल्दी, बुलंद दरवाजा का निर्माण की बात करें तो किसने कराया? अकबर ने कराया। याद होगा आपको कि 1572 में ये गुजरात में जीतता है युद्ध और ये पूरा कराता है 1601 में। यही पूछा था रेलवे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कब पूरा कराया गया, तो 1601 ऑप्शन था। बच्चे गलती करके चले आए, बच्चे गलती करके चले आए, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। जल्दी, तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण भी अकबर कराता है और ये आगरा में है और अपनी कैपिटल, अपनी कैपिटल दिल्ली से ले आता है कहां? फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, बिल्कुल याद रखना। आगे देखें नेक्स्ट, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी, तो बच्चे दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। और सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद, सबसे बड़ी मस्जिद किसने कराया? शाहजहां। इसीलिए शाहजहां के काल को हम क्या बोलते हैं?
स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है ना, ये याद रखना। जबकि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग बोलते हैं, चित्रकला का स्वर्ण युग, और अकबर के काल को हिंदी का गोल्डन एरा, हिंदी का गोल्डन एरा, ये याद रखना। ठीक है, अनुभव इग्नोर करो, चलो आगे देखो। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। कौन सुमेलित नहीं है? अजमेर कुतुब इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा शिव पैलेस, गुलबर्गा जामा मस्जिद। सवाल नंबर 22, जल्दी। अब आप दी मत लगा देना, क्योंकि जामा मस्जिद यहां भी है, जामा मस्जिद यहां भी है, जामा मस्जिद यहां भी है। अब ये डी मत लगा देना, क्योंकि कुवतुल इस्लाम दिल्ली में है, कुवतुल इस्लाम दिल्ली में है, कुवतुल इस्लाम दिल्ली में। ठीक है, अरे बात समझ में, देखो लगा दिया गलती, लगा दिया गलती, मुझे पता है। जामा मस्जिद गुलबर्गा में है, तो कुवतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा है, अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा है। ठीक है, याद रखना। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, बिल्कुल, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, बिल्कुल। ठीक है, अरे बात समझ में, आगे देखो। भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? अभी मैंने पढ़ाया है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 23। तो भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज कर्नाटक में, बीजापुर, मोहम्मद आदिल शाह है ना। आगे देखो नेक्स्ट। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड एल्गिन ने, किसने कराया? तो किसने कराया बच्चे? कोलकाता में स्थित कर्जन ने। और विक्टोरिया महल को ताजमहल का नकल कह सकते हैं, क्योंकि ताजमहल को देख के बनाया गया था व्हाइट मार्बल से, जो मकराना से लाया गया था मार्बल, कहां से? मकराना से लाया गया था मार्बल, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, क्लियर भाई, आगे देखो नेक्स्ट। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया? या पढ़ चुके, कई बार पढ़ा चुके हैं, तो शाहजहां। लेकिन यहां पर एक मोती मस्जिद है जिसको हम पर्ल मॉस्क्यो बोलते हैं, उसका निर्माण औरंगजेब कराता है, इसका निर्माण औरंगजेब कराता है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, इसका निर्माण कौन कराता है? औरंगजेब कराता है, बिल्कुल याद रखना। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। सवाल नंबर 26। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफी संत था, इसको समर्पित पूरा करा था इल्तुतमिश। लेकिन कुतुब मीनार का जो मुख्य भाग मुख्य भाग का निर्माण किसने कराया? ठीक है, आई बात समझ में, जो मुख्य भाग किसने? इल्तुतमिश ने। लेकिन पूरा किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना। ठीक है, ठीक ना, आगे देखो नेक्स्ट। सांचे स्तूप का निर्माण कराने वाले मौर्य राजा कौन थे? दशरथ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। सवाल नंबर 27, जल्दी। तो सांचे स्तूप का निर्माण कराने वाले मौर्य शासक कौन थे? अशोक। लेकिन इसे नष्ट करने वाले कौन था? पुष्यमित्र सुंग, है ना, पुष्यमित्र सुंग, ये याद रखना, पुष्यमित्र सुंग, ये जरूर याद रखना। ठीक है,
आगे देखो, आगरा स्थित लाल किला किसने बनाया? आगरा स्थित लाल किला, हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन आगरा? हु बिल्ट द रेड फोर्ट इन आगरा? आगरा स्थित लाल किला का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया। और याद रखना, यहां आगरा में जो लाल किला, जो मोती मस्जिद है ना, यहां जो मोती मस्जिद है, ये कौन कराता है? ये शाहजहां कराता है। ये शाहजहां, देखो कितने मजेदार है, कितना मजेदार है समझना, क्या मजेदार है, क्या मजेदार। देखो दिल्ली में जो लाल किला है, लाल किला है, ये कौन बनाएगा? ये बनाता है शाहजहां, ये बनाता है शाहजहां। लेकिन दिल्ली में जो मोती मस्जिद है, दिल्ली में जो मोती मस्जिद है, ये बनाता है औरंगजेब, ये बनाता है औरंगजेब। लेकिन आगरा में जो आगरा में लाल किला है, ये बनाता है अकबर, और यहां जो मोती मस्जिद है, ये बनाता है शाहजहां। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जरा बता दो। अगर क्लियर है तो जरा थंब दिखा देना सर, बिल्कुल क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। क्योंकि दो स्थान पर लाल किला है, दिल्ली के लाल किला को शाहजहां बनाएगा, आगरा के लाल किला को अकबर बनाएगा, लेकिन दोनों जगह मोती मस्जिद है, तो दिल्ली के मोती मस्जिद को औरंगजेब बनाता है और आगरा के मोती मस्जिद को शाहजहां बनाता है। क्लियर है ना, बिल्कुल नोट कर लेना, बिल्कुल नोट कर लेना इसे। आगे देखो, हौज खास किसने बनवाया? हौज खास किसने बनवाया? ठीक है, हौज खास किसने बनवाया? तो हौज खास की बात करें, किसने बनवाता है? ये अलाउद्दीन खिलजी। ये कहां है? कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में, कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में। ठीक है, कुतुब कॉम्प्लेक्स दिल्ली में, बिल्कुल याद रखना। कुतुब मीनार का मुख्य भाग, यही मैंने पढ़ाया अभी कि कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया, तो कुतुब मीनार का जो मुख्य भाग है, कुतुब मीनार का जो मुख्य भाग है, ये कौन बनाता है? इल्तुतमिश ने। हाँ, क्योंकि फिरोजशाह तुगलक ने पांचवी मंजिल, पांचवी मंजिल को जोड़ा और रिपेयरिंग करवाता है, रिपेयर करवाता है, क्या करवाता है? ये रिपेयर करवाता है। जबकि अब रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला सुल्तान, भारत की पहली महिला सुल्तान, और ये कितने नंबर की सुल्तान है पता है? पांचवें नंबर की सुल्तान थी, पांचवें नंबर की सुल्तान थी। जबकि इल्तुतमिश तीसरे नंबर के सुल्तान, थर्ड नंबर का सुल्तान था इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश के पहले आराम शाह बैठता गद्दी पर, आराम शाह गद्दी पर बैठता है, और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज बैठता गद्दी पर, यह याद रखना। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करते हैं सेशन मजा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने। और अगर सेशन अच्छा लगता है यार, तो लाइक ठोक दिया करो। बिल्कुल, देखो 1400-1500 बच्चे आते हैं, हमें भी लगता है यार कि लाइक ठोके तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है, चलो हमारे वीडियो कितने बच्चे ने पसंद करा है। जिनका UPSI है और जो रेलवे भी कर रहे हैं, दोनों दोनों का फायदा आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो रेलवे वाले कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ 12 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है, 12 मार्च से नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल बहुत फायदा होगा डेफिनेटली। और SSC में अगर आप डेप्थ पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, या फिर स्टेट PSC की तैयारी करते हैं, या SSC CGL CHSL है, तो आप SSC जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ाया, फिर से पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, ये पूरे UPSI की टीम, UPSI की टीम, जहाँ हिंदी मूल विधि सब कुछ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अब ये देख सकते हो जो कि मैंने हिस्ट्री पढ़ा रखा है, इसीलिए मैंने ये लगाया कि मैं पहले हिस्ट्री पढ़ा रखा हूँ, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, इसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, या फिर UPSI के लिए रेलवे कैटेगरी में, जिसमें 12 मार्च से मेरा कोर्स आ रहा है, ज्वाइन कर सकते हो। मेरे स्पेशल क्लास जरूर ज्वाइन करें बच्चे, 10:05 में, अभी मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और शाम को 7:05 पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई, जहाँ रहिए बस स्वस्थ रहिए और अपने